बैतूल की गंज थाना क्षेत्र की एक होटल में अनैतिक गतिविधियों का खुलासा हुआ है। बैतूल पुलिस ने गंज स्थित गुलमोहर होटल पर छापेमारी की, जहां होटल के एक कमरे में युवक युवती आपत्तिजनक स्थिति में मिले। पुलिस ने इन्हें अभिरक्षा में लेकर इनके परिजनों को सूचना दी है। वहीं होटल के संचालक से पूछताछ जारी है। इस मामले में होटल संचालक की भी मिलीभगत सामने आ रही है, जो बिना दस्तावेज जांचे युवक युवतियों को कुछ देर के लिए रूम किराए पर दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक अगर मामले में होटल संचालक की लिप्तता साबित हुई तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्यवाही की जाएगी। वहीं होटल में पकड़ाए युवक युवती की पहचान अभी गुप्त रखी गई है। जो गंज क्षेत्र में गुलमोहर होटल है, उसमें पता चला था कि कोई लड़का और लड़की जो है अवैध तरीके से या नाबालिग हैं, और वो गए हुए हैं, रुके हुए हैं वहाँ पर। तो फिर पुलिस द्वारा दबिश दी गई कि इस तरह की अनैतिक गतिविधियाँ ना चालू हों। तो वहाँ पर लड़के लड़की को लेके आए हैं दोनों को। अब उनके रिकॉर्ड्स देखे जा रहे हैं कि वो बालिग हैं या नाबालिग हैं, और जो हॉस्पिटल जो होटल के रिकॉर्ड हैं उनको भी देखा जा रहा है कि उनकी एंट्री कब है, साथ में आए थे वो लोग, अगर किस समय आए हैं, उनका पर्पस क्या था आने का, ये पूछताछ की जा रही है। साथ में अभी होटल मालिक को भी बुलवाया गया है कि वो इस तरीके से क्यों, अगर ये नाबालिग हैं तो क्यों ऐसे एंट्री देते हैं, और उनके कुछ वो क्यों नहीं रखते हैं जो पहचान पत्र हैं या उनके एज सर्टिफिकेट, आप ऐसे कैसे एक दो घंटे के लिए रूम प्रोवाइड करवा रहे हैं किसी को भी। तो आसपास का माहौल ख़राब होता है, इस संबंध में भी अभी होटल मालिक को बुलवाया गया है, मैनेजर को। और अगर ये अवैध पाया जाता है गतिविधि, और अगर होटल मालिक से लाइसेंस भी मांगा गया था उस संबंध में, तो उसने लाइसेंस भी नहीं दिया है, ना कोई अभी गोमास्ता का वो दिया कि वो टैक्स पे करता है, उसके संबंध में भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं, तो वो भी अभी जानकारी ली जा रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर हम प्रतिवेदन लिखेंगे लाइसेंस अथॉरिटी को कि उसका लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई करें।